जनपद रुद्रप्रयाग में श्री केदारनाथ धाम यात्रा में अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु और यात्री वाहन आ रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से लेकर अभी तक मात्र 13 दिनों में 3.5 लाख से भी अधिक यात्री केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं और ऐसी स्थिति में जनपद पुलिस लगातार बिना पंजीकरण और पंजीकरण की तिथि से पहले ही यात्रा पर आने वालों की निरंतर चेकिंग कर रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक बदाड़े ने बताया कि पुलिस बल के स्तर से चेक करने पर जवाड़ी बाईपास पर पहुंचे वाहनों में आए यात्रियों के पंजीकरण और पंजीकरण में अंकित तिथि में काफी अंतर आ रहा है, जिसके चलते पुलिस ने मौके पर संबंधित यात्रियों और ऐसे प्रकरणों वालों को आवश्यक कार्यवाही के लिए नजदीकी कोतवाली भिजवाया, जहां पर पुलिस ने ऐसे कुल 9 मामले दर्ज किए। इसके तहत ही पुलिस अधीक्षक ने श्रद्धालुओं और यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि वो अपना पंजीकरण करने के बाद ही केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए और पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं में सहयोग करें। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। देखिए, केदारनाथ की धाम की जो यात्रा है 10 मई को आरंभ हुई है और अभी 12 दिनों में ही लगभग 3.5 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री जो है केदारनाथ धाम में आके बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। परंतु कुछ ऐसी हमें गतिविधियां दिखी है जिसमें जिसकी वजह से जो है अपंजीकृत यात्री जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है हमें यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद में आते हुए दिखे हैं। इसका जब हमने पड़ताल करना शुरू किया तो जो यात्री जिनका पंजीकरण अगली डेट का था या फिर बिना पंजीकरण के थे, ऐसे यात्रियों को जो है हमने वापस किया था। साथ साथ हमने ये भी वेरीफाई किया था कि अगर ये पंजीकरण लेके आ रहे हैं तो क्या ये पंजीकरण सही है या नहीं है। इसको जब हमने पर्यटन विभाग के वेबसाइट से वेरीफाई किया तब हमें कुछ ऐसे फर्जी जो रजिस्ट्रेशन है वो मिले, जिसको हमने जब चेक किया तो उसमें जो अगले महीने के जून के या जुलाई के जिनके रजिस्ट्रेशन थे उसमें फर्जीवाड़ा करके जो है उसमें मई की डेट्स जो है अपडेट की गई थी। उसके साथ साथ कुछ जो यात्री उनके नाम बदल के जो है इसमें फर्जीवाड़ा किया गया था। ऐसे लगभग 9 जो प्रकरण है हमारे सामने आए हैं और ऐसे 9 प्रकरण में आज हमने FIR जो है रुद्रप्रयाग जनपद की कोतवाली रुद्रप्रयाग में हमने मुकदमे दर्ज किए हैं। ये जो सारे जो फर्जीवाड़े हैं या जो ये रजिस्ट्रेशन में फर्जी जो चीज़ें की जा रही है डेट से रिलेटेड, ये जो टूर्स एंड ट्रैवलर्स कुछ जो हरिद्वार में ऑपरेट कर रहे हैं और कुछ ऋषिकेश में जो है इनके द्वारा किए गए हैं। ऐसे व्यक्तियों से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने बरामद कर ली है और इसमें जो है हम अपनी विवेचना जो है जल्द से जल्द शुरू करेंगे। और ऐसे जो व्यक्ति इस तरह से जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन में फॉर्जरी कर रहे हैं और उसको एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।